हम चुलबुल झा अहाँ सब गोटे के प्रणाम करै छी। आई हम देवउठौनी एकादशी कथा कह जा रहल छी, अहाँ सब सुनू, पसंद आयत तो हमर चुलबुल झा चैनल के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देवे। कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी को देव उत्थान या देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चार माह के बाद अपनी निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पावन दिन चौमासे का समय भी पूरा होता है और शादी विवाह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठौनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। जिस घर में पुत्री नहीं होती है वहां तुलसी जी का विवाह करवाकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। आइए अब एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्य को बेचता था, सभी लोग फलहार करते थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु एक सुंदरी का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने सुंदरी को देखा और सुंदरी को देखकर राजा चकित रह गया कि ये सुंदरी सुनसान जगह पे क्या कर रही है। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और बीच रास्ते में क्या कर रही हो, क्यों बैठी हो, मुझे बताओ। तब वह सुंदरी श्री हरि विष्णु जो सुंदरी का रूप धारण किए थे तब बने स्त्री बने भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं बेसहारा हूँ, इस नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, मैं किससे सहारा मांगू, मुझे समझ नहीं आता। राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, अतः उसने सुंदरी से कहा, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार, अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। तुम्हारे राज्य पर पूरा मेरा पूरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित तो पहले से ही था, लेकिन रानी की वो सुंदरी की इसीलिए सुंदरी की सारी शर्तें को स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन देव उठौनी एकादशी थी। सुंदरी ने आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्य बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। श्रीहरि को राजा का परीक्षा लेना था तो राजा को परीक्षा में पास करना था, इसके लिए श्रीहरि विष्णु ने सुंदरी का रूप धारण किए हुए मांसाहारी भोजन का व्यवस्था किया कि राजा परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देव उठौनी एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूंगा। तब सुंदरी ने अपनी शर्तें याद दिलवाई और कहा यदि आप खाना खाओ नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से बोला। राजा तो पहले से ही चिंतित था सुंदरी की बात सुनकर, लेकिन बड़ी राजा की जो बड़ी रानी थी पत्नी वो उनको चिंतित देखकर उनसे पूछी कि महाराज क्या हुआ है, तो राजा ने बड़ी रानी को सारी बात बता दी कही। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कूद कर वापस आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने अपने राजकुमार को सारी बातें बताई। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भगवान ने श्रीहरि विष्णु ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हे विष्णु भगवान,
हे श्री हरि विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया उसी प्रकार कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुकारा भरने वाले सभी का भला करना, सभी का इच्छा पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु, इस प्रकार देवउठौनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई।